हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक रूम्स। तो आज की वीडियो हम जो यहाँ पे रेडमी नोट 8 की FRP करने वाले हैं। पावर टूल का यूज़ करके बहुत सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें लॉक बना है, मतलब इसमें FRP लगी हुई है। तो सिंपल सा आप लोगों में प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को फ़ोन को कर लेना है स्विच ऑफ, और स्विच ऑफ करने के बाद आप लोगों को ले जाना है रिकवरी में। रिकवरी में जाने के लिए वॉल्यूम अप और पावर की प्रेस करके रखना है, और जैसे फ़ोन ऑन होगा पावर की छोड़ देना, वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखना, तो आपका जो फ़ोन है रिकवरी में चले जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फोन ऑन हो गया है, वॉल्यूम अप को मैंने दबा के रखा हूँ और रिकवरी आ चुकी है। यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन जो है इस पर आप लोगों को आ जाना है। यहाँ आने के बाद आप लोगों को कनेक्ट कर देना है USB। तो जैसे आप USB लगा दोगे, देख सकते हो फोन में भी USB लग चुका है और फोन हमारा कनेक्ट हो गया है माई असिस्टेंट मोड में। अब आप लोगों क्या करना है, यहाँ पे पावर टूल है, एंड्रॉयड वाले सेक्शन पे आप लोगों को चले जाना है। तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन खुल गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एंड्रॉइड वाले सेक्शन पे आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा शाओमी साइड लोड रीसेट एंड्रॉइड 11 और एंड्रॉइड 12 का। इसमें रीसेट FRP पे आप लोगों को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रीसेट FRP क्लिक में सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे, आप लोगों की प्रोसेस जो है चालू हो जाएगी और कुछ ही सेकेंड में आप लोगों का जो FRP है इरेज हो जाएगा। तो यहाँ देखो कुछ ही सेकेंड में हमारी फ़ोन की जो है FRP इरेज हो गई और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे रिकवरी पे ला दिया वापस, तो आप लोगों को जस्ट यहाँ पे रिबूट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है और आपका फ़ोन जो है रिबूट हो जाएगा। अब यहाँ पे रिबूट होने के बाद आप लोगों को जस्ट फ़ोन को नॉर्मल सेटअप कर लेना है। बहुत सिंपल सा तरीका है और बहुत सारे एमआई के फ़ोन इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़ोन हमारा रिस्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। देख सकते हो फ़ोन यहाँ पे हमारा रिस्टार्ट हो गया है। इसको जस्ट आप लोगों को अब सेटअप कर लेना है। मैं एकदम स्पीड फास्ट कर दिया हूँ वीडियो की, और FRP हमारी जा चुकी है यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हो बिना बिना वाईफाई कनेक्ट किए यहाँ पे हमको जो है फ़ोन सेटअप हमारा पूरा हो रहा है। यहाँ पे लास्ट प्रोसेस सेटअप कंप्लीट। तो इस तरीके से आप जो है नोट 8 की FRP कर सकते हो, पावर टूल या फिर किसी और टूल से भी इस तरीके से कर सकते हो साइड लोड मोड में। पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।